हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, विश्व के भूगोल में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आज हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम चट्टानें करने जा रहे हैं। चट्टानें क्या होती हैं, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि चट्टान क्या होती है, चट्टान के कौन कौन से प्रकार हैं, तथा इन विभिन्न प्रकारों में जो होती है चट्टानों की विशेषताएँ आदि सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चट्टान क्या होती है इसे। तो चट्टान भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, खनिजों को छोड़ के, खनिज या धातुओं को छोड़ के, जो भूपटल पर जो भी पाए जाते हैं, समस्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो धातुएं नहीं हैं, वो चाहे वो चीका मिट्टी की भांति महीन हो या मुलायम हो, अथवा ग्रेनाइट चट्टान की भांति कठोर हो, वो सारी चट्टान कहलाती है। तो चट्टान की सिंपल सी परिभाषा है कि धातुओं को छोड़कर वे सभी पदार्थ जो कि भूपटल पर पाए जाते हैं, चाहे वो कठोर हो या मुलायम हो, वो सारी क्या होती है, चट्टान कहलाती हैं। तो चट्टान की आप बेसिक परिभाषा समझ गए। यहाँ पर हम चट्टान लिखने नहीं जा रहे हैं, सिंपल सी एक लाइन में हम बता दे रहे हैं आपको कि पृथ्वी के भूपटल पर वो जो सारी चीज़ें पाई जाती हैं धातुओं को छोड़कर, वो सारी चट्टान हैं, चट्टान कहलाती हैं, चाहे वो मुलायम हो या कठोर हो। अब चट्टानों की अगर हम आगे बात करते हैं, चट्टान जो होते हैं खनिजों का समूह होते हैं, किंतु कुछ चट्टानों एक ही खनिज से बनती हैं, कुछ चट्टानें दो खनिजों से बनती हैं, कुछ चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों से बनती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जो चट्टानों का जो समूह होता है उसमें कुछ जो चट्टानें एक ही प्रकार के खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया है, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारी एक प्रकार की चट्टानें से निर्मित हैं, तथा वो चट्टानें जो दो प्रकार से या दो से अधिक प्रकारों से मिलकर बनती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया है और आपका स्फटिक हो गया, फ्लेस्पार हो गया और अभ्रज हो गया, जो ये सारी चट्टानें जो हैं दो या दो से अधिक पदार्थों से या खनिजों से मिलकर बनती है। जो अनेक खनिजों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एलुमिना हो गया और लिमोनाइट हो गया, कोग्लोमरेट हो गया, ये सारी चट्टानें जो हैं कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, जो एक प्रकार की चट्टानें जो होती हैं एक प्रकार के खनिज से मिलकर बनती हैं। चट्टान की परिभाषा हमने दे दी है, एक प्रकार के खनिज से मिलकर बनती हैं, ये पहला हो गया। एक से अधिक यानी कि दो खनिजों से मिलकर दो प्रकार के खनिजों से मिलकर बनती हैं, अनेक प्रकार के खनिजों से मिलकर बनती हैं। ये तीन चीज आपको यहाँ पे जानना है, कितने प्रकार के खनिजों से मिलकर बनती है। तो अनेक प्रकार के खनिजों से मिलकर बनती हैं, इन तीनों में आप सभी को जानना ज़रूरी है कि ये जो खनिज है हमारी कितने प्रकार से मिलकर बनती है। तो जो एक प्रकार की जो मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, आपको पता होना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। इसमें क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एक प्रकार के खनिज से जो मिलकर बनती है वो बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, दो या दो से अधिक प्रकार की जो मिलकर बनती हैं उसे ग्रेनाइट स्फटिक कहते हैं, ग्रेनाइट व स्फटिक। ठीक, अब जो दो या दो से अधिक प्रकार की बनती है उसे कोग्लोमाइट कहते हैं और एलुमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोग्लोमाइट तथा एलुमिना कहते हैं, एलुमिना।
तो ये तीन प्रकार की जो है खनिज के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कितने प्रकार की खनिजों से मिलकर बनती हैं, तो ये अगर पूछ ले परीक्षा में तो यहाँ पे आपके लिए हो गया। अभी तक जो है कुल मिला के 2000 प्रकार की खनिजों का जो खोज की गई है, यानी कि अभी जो खनिज शास्त्री हैं यानी कि जो खनिजों का अध्ययन करते हैं उन्होंने 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन ये 24वीं महत्वपूर्ण है। 2000 प्रकार की खनिजों का अभी तक पता लगाया जा चुका है, 2000 प्रकार की खनिजों का पता लगाया जा चुका है लेकिन इसमें से 24 ही महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ये परीक्षा में पूछ लेता है कि अभी तक कितने प्रकार की खनिजों का पता लगाया गया है, तो ये आपको 2000 प्रकार की होना है। अब खनिज जो होता है, खनिज क्या कहते हैं, विशेष प्रकार के गुणों वाले मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक है। खनिज क्या है, विशेष प्रकार के गुणों वाले मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक है। खनिज किसे कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है, खनिज किसे कहते हैं। अगर आपको जानना जरूरी है कि खनिज क्या है, विशेष प्रकार के तत्वों देखिए खनिज क्या होता है, जो विशेष प्रकार के तत्वों या मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक है, विशेष प्रकार के तत्वों या मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक है। सिंपल सी बात है, रासायनिक यौगिक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना, रासायनिक यौगिक है। तो बस इतना आप याद रखिएगा, खनिज आपका कभी गलत नहीं होगा, या खनिज आपका कॉन्सेप्ट होगा जो विशेष प्रकार के तत्वों या मूल तत्वों का क्या होता है, रासायनिक यौगिक होता है। अब चलिए चट्टान के प्रकार देखते हैं। तो आपको चट्टान आपने कभी पढ़ा होगा किताबों में, तो तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अग्नेय चट्टानें, औषधीय चट्टानें तथा रूपांतरिक चट्टानें। तो इन सब चीज़ों की हम डिटेल में अब चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम रख कर दे रहे हैं आपको आपके लिए, और आगे देखेंगे हम चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कितने प्रकार की चट्टान होती हैं, ये तीन ये चीज़ें हो गई। अब चट्टानों की हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रकार की बात कर लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कितने प्रकार की चट्टान है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख चट्टान है कौन सी, अग्नेय चट्टान है। अग्नेय चट्टान है। दूसरा क्या है, दूसरी हमारी जो प्रमुख चट्टान है वो कौन सी है, औषधीय चट्टान है। और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी है, रूपांतरिक चट्टान है, यानी कि रूप बदलकर जो चट्टान बनी है उनको रूपांतरिक चट्टान कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गई, तीसरी रूपांतरिक चट्टान। अब रूपांतरिक चट्टान जो अपना रूप बदल लेती हैं वो रूपांतरिक चट्टान कहलाता है, तो ये यहाँ पे रूपांतरिक हो गई। अब इन तीनों प्रकार में से अग्नेय की हम विशेषताएं देखेंगे। अग्नेय प्रकार की चट्टानों की अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, अग्नेय प्रकार की चट्टानों की हम बात करेंगे। अग्नेय प्रकार की जो चट्टान होती है वो किस प्रकार से बनी है, देखिए अग्नेय की चट्टानें जो हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जो क्या होता है कि लावा निकलता है, या पृथ्वी के अंदर ही जो ये जम कर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, लावा प्रक्रिया द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों को अग्नेय प्रकार की चट्टानें होंगी। अब लावा या तो पृथ्वी के अंदर जो लावा जो है वो पृथ्वी के या तो अंदर जम सकता है या तो बाहर जम सकता है, तो ये दो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं कि ये बाहर या अंदर दोनों जम सकता है। तो अग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। इनका निर्माण कैसे होता है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ज्वालामुखी से निकलने वाले
से निकलने वाले, ज्वालामुखी से निकलने वाले, इनका निर्माण क्या हो गया कि ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा, मैग्मा या लावा के जमने से होता है, मैग्मा या लावा के जमने से होता है, के जमने से होता है, जमने से होता है। तो अग्नेय परीक्षा में पूछ ले कि अग्नेय चट्टानें कैसे बनी हैं, तो मैग्मा या लावा ऑप्शन में दिया रहे है, तो आपको यही मारना है कि ये मैग्मा के जमने से या लावा के जमने से क्या होता है, बनती। अभी ये जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी के अंदर भी हो सकती है और पृथ्वी के बाहर भी, यानी कि जो स्थल भाग है वहाँ पे भी हो सकती है और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो वहाँ पे भी हो सकती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जो है सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान या क्या कहते हैं, जनक चट्टान कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, यानी कि आग का गोला जब जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी कि तप जो है प्राथमिक जो इसका फॉर्म था जिसका ऊपरी हिस्सा लिक्विड फॉर्म में था, तो क्या हो गया कि ये जब लिक्विड फॉर्म में था तो अब ये धीरे धीरे ठंडा होने से जमने के कारण ये जो है ये हुआ, तो ये जम गया, तो इसी को क्या कहें, अग्नेय चट्टान है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान होते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें प्राथमिक जनक, इन्हें प्राथमिक चट्टाने या जनक चट्टाने कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये भी चीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति पर, पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात पश्चात इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, का निर्माण हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, निर्माण हुआ है, निर्माण इन्हीं का सबसे पहले निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान होगी यहाँ पे, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहलाएंगी। उसके अलावा आगे बात करेंगे, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहेंगे और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे प्राथमिक चट्टान के अलावा, तो इसके बाद जो दूसरी इन्हें जनक चट्टान भी कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राथमिक चट्टान या इन्हें जनक चट्टान, प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान कहेंगे, या जनक चट्टान कहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना, चट्टान कहेंगे कहते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं या जनक चट्टान किसे कहते हैं, तो आपका हमेशा के लिए ऑप्शन क्या होगा कि अग्नेय चट्टानों को ही क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान कहते हैं, ये आपको गलत नहीं करना है परीक्षा में। अब इस प्रकार की चट्टानें देखिए, लावा के जमने से क्या होता है, यहाँ पर ठोस चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो इनमें क्या होगा, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा तो इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो इस प्रकार की चट्टानों में जो कोयला है, पेट्रोलियम है, साल्ट है, इन सब का अभाव पाया जाएगा, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार की चट्टानों में सिंपल सा आप कह देंगे तो यहाँ पे इनमें जीवाश्म का जब अभाव पाया जाएगा तो ये चट्टानों में कोयला तथा पेट्रोलियम का निक्षेप किसी भी स्थिति में नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या निक्षेप है, तो इनमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, निकल, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, इनमें निकल, लोहा का मतलब चुंबकीय लोहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं चुंबकीय लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता पाया जाता है, यानी कि कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें निकल, लोहा जो चुंबकीय लोहा हुआ, तांबा, सीसा हुआ, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज और सोना पाया जाता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आगे इसमें हम बोल दे रहे हैं क्रोमाइट, सोना,
सोना, मैंगनीज आदि भी इसमें पाए जाते हैं। अब आगे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इससे आगे देखेंगे तो इन पर रासायनिक अपक्षय यानी कि ये चट्टानें इतनी रवेदार तथा ठोस होती हैं कि इनमें क्या होता है कि ये बहुत कम अपारदन बहुत कम होता है, यानी कि अपक्षय इनका बहुत कम होता है। ये चट्टानें रवेदार प्रकार की होती हैं, ये रवेदार चट्टानें होती हैं। रवेदार का मतलब जैसे कि ये बड़ी सी चट्टान है तो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो ये चीज़ें ये चट्टान होती है इसी प्रकार की, तो ये रवेदार होती है। अगर परीक्षा में पूछ ले कौन सी चट्टान रवेदार होगी तो ये रवेदार होती है, रवेदार होती है। और इनका जो अपक्षय होता है अपक्षय इनका कम होता है, यानी कि इनका क्षय कम होता है, इनका अपक्षय कम होता है। तो ये चीज़ें अगर आप इतना नोट कर लेंगे, अपक्षय कम होता है, अगर आप इतना नोट कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो अग्नेय चट्टान से जो प्रश्न बनता है ये आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आगे हम देखेंगे अग्नेय चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसको चलिए हम अब अग्नेय चट्टान के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से अग्नेय चट्टानों के प्रकार होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब, तो इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद अब हम अग्नेय चट्टानों के प्रकार देखेंगे कौन कौन से अग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। ये परीक्षा में पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, गलत यहाँ पे नहीं करना है कि अग्नेय जो है अग्नेय चट्टान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अग्नेय चट्टानों के प्रकार प्रमुख रूप से अग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो इनको दो रूपों में विभाजित किया गया है। अब इसके प्रकार में हम यहाँ पर देखेंगे, प्रकार यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दो प्रकार की अग्नेय चट्टानों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक उत्पत्ति के आधार पे, एक रासायनिक संरचना के आधार पे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पर। तो ये दो प्रकार से होगी। अब रासायन यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पे भी अग्नेय चट्टानों को दो प्रकार से बांटा जाएगा, एक आंतरिक अग्नेय चट्टान होगी, एक बाहरी अग्नेय चट्टान होगी। तो इसको भी दो भागों में हम बांट लेते हैं, एक आंतरिक चट्टान अग्नेय चट्टान हो जाएंगी, आंतरिक चट्टान हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, आंतरिक अग्नेय चट्टान। और दूसरा क्या हो जाएगा, बाह्य अग्नेय चट्टान, बाह्य अग्नेय चट्टान। ये दो प्रकार की चट्टान यहाँ पे क्या होगी, पाई जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जो है विभाजन होगा, अब आंतरिक चट्टानों का विभाजन क्या होगा, ये जो आंतरिक चट्टानें होंगी ये दो प्रकार से होंगी, एक पाताली चट्टानें होंगी, एक मध्यवर्ती चट्टानें होंगी। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका दो विभाजन हम कर लेते हैं, पहला जो हो जाएगा पातालिक चट्टान हो जाएगी, पातालिक चट्टान, पातालिक चट्टानों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका जो है क्या क्या आएगा, इसमें ग्रेनाइट की जो चट्टानें आती हैं वो आएंगी, यानी कि जो ग्रेनाइट पाया जाता है वो पातालिक चट्टानों में पाया जाता है। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती चट्टानों की, तो इसमें क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान क्या होता है इसकी भी हम बात करते हैं, मध्यवर्ती चट्टान, इसमें क्या हो जाएगा, डाइक हो जाएगा, डाइक, लैकोलिथ, तो किन किन चट्टानों को यहाँ पे पाए जाएंगे, एक तो डाइक हो जाएगी, लैकोलिथ हो जाएगा, फैकोलिथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फैकोलिथ हो जाएगी, फैकोलिथ। उसके बाद जो लास्ट में क्या होगा वो हो जाएगी सील। तो कितने प्रकार की चट्टानें यहाँ पे बनेंगी, डाइक, लैकोलिथ,
फैकोलिक तथा सिल, ये आपकी कितने प्रकार की चट्टानें हो जाएंगी। आंतरिक चट्टान दो प्रकार की हो जाएगी, बाहरी जो चट्टान होगी, बाहरी चट्टान का कोई विभाजन नहीं है। मध्यवर्ती चट्टान क्या होगी, जैसे पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है वहाँ पे ये क्या होती हैं, जब ये अग्नेय प्रकार की चट्टानें, यानी कि जब लावा पृथ्वी के बाहर निकल नहीं पाता है तो अंदर ही विभिन्न स्थलाकृतियाँ बना के क्या होता है, जम जाता है। जैसे ही वहाँ पे जगह पाता है, स्पेस पाता है, उसी प्रकार से ही जम जाता है, तो वहीं पे ठंडा हो जाता है, तो वहीं पे जो चट्टान बन जाती, आगे जब ये ठंडा होने के बाद चट्टान का रूप धारण कर लेती है, तो ये कितने प्रकार की हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। पातालिक चट्टानें जो हैं पृथ्वी के काफ़ी अंदर पाई जाती हैं, ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आंतरिक चट्टान हो गई, बाह्य चट्टानें हो गई। अब रासायनिक संरचना के आधार पर भी हम जो अग्नेय चट्टानों को दो प्रकार से बांटेंगे, एक अम्लीय चट्टानें हो जाएंगी, दूसरा क्षारीय चट्टानें हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगा, एक अम्लीय चट्टान हो जाएगी, अम्लीय चट्टान हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षारीय चट्टान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारीय चट्टान। तो ये दो प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाएंगी। अग्नेय में उत्पत्ति के आधार पे और रासायनिक संरचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आंतरिक एवं बाह्य हो जाएगी, रासायनिक संरचना के आधार पे अम्लीय चट्टानें। देखिए जिन चट्टानों में क्या होता है, जिनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, वो अम्लीय चट्टानें होती हैं, और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय चट्टानें कहलाएंगी। तो ये जो हो गया अग्नेय चट्टान की जो विशेषता हो गई, ये सारी चीज़ें इनके प्रकार हो गए हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो ये आएगा, किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के अंदर कौन सी चट्टानों का स्वरूप बनता है, तो डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, ये आपको बस याद रखना है। अब आगे हम बात करेंगे, हमारी बात हो गई है अग्नेय चट्टानों की, अब हम औषधि चट्टान की चर्चा करेंगे। अब औषधि चट्टान की जब चर्चा करेंगे तो औषधि चट्टान किस प्रकार से बनी है ये हम जानेंगे, उसके बाद औषधि चट्टानों के बारे में इनकी विशेषताओं को जानेंगे, क्योंकि विशेषताओं से ही प्रश्न बनता है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, औषधि चट्टान, क्या डालेंगे हम, औषधि चट्टान। अब औषधि चट्टान का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, औषधि चट्टान। चलिए अब हम इसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं डिटेल में। तो औषधि चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो ये चट्टान जो होती है चूर्ण जो होते हैं, चाहे मिट्टी के चूर्ण हो गए, चाहे किसी भी चीज़ के, किसी धातु के चूर्ण हो गए, जब ये एकत्र होकर नीचे जमने लगते हैं, नीचे जम जाता है, तो इसे ही औषधि, इसी से औषधि शैल का जो होता है निर्माण होता है। तो चट्टानों के चूर्ण, जब चूर्ण नीचे एक स्थान पर जम जाता है तो औषधि शैल का निर्माण होता है, औषधि शैल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे हम अग्नेय चट्टानों की अगर आप बात करेंगे तो अग्नेय चट्टानें बहुत मोटी मोटी पाई जाती हैं, वहीं जो औषधि चट्टानें होंगी वो पतली पतली यानी कि परतदार होती हैं। तो ये परतदार होने के कारण इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं, ये परतदार होती हैं, क्या होती हैं, ये परतदार होती हैं, परतदार होती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये चट्टान को ऊपरी लेयर हो गई, ये चट्टान की दूसरी लेयर हो गई, ये पूरी चट्टान हो गई, ये क्या हो गई, औषधि चट्टान हो गई। अब इसका क्या हो गया, ये विभिन्न परतों में क्या है, बनी हुई है, तो इसीलिए इनको औषधि चट्टान कहा गया है, यानी कि परतदार चट्टान कहा गया है।
कई परतों में ये पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान इसे आप कह सकते हैं। अब आगे हम इसके बात करते हैं तो संपूर्ण भूपृष्ठ का ये 75% है, संपूर्ण भूपृष्ठ पर ये 75% पाई जाती हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर ये 75% पाई जाती हैं, 75% पाई जाती हैं। और क्रेस्ट पे, और क्रेस्ट पर 5% पाई जाती है, 5% पाई जाती है। तो ये दो चीज़ें होंगी, संपूर्ण भूपृष्ठ पर ये 75% पाई जाती हैं, लेकिन ये जो है क्रेस्ट पर जो है 5% पाई जाती हैं। अब इनकी विशेषताओं की अगर आप बात करेंगे तो इनकी विशेषताओं की आप अगर बात यहाँ से करते हैं तो इनका निर्माण जो है छोटे छोटे कणों से होता है, यानी कि चूड़ों से होता है। तो इनका निर्माण जो है छोटे छोटे कणों से होता है, इनका निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है, कणों से होता है। इनका निर्माण क्या होता है, छोटे छोटे कणों से होता है। ये परतदार होती हैं, हमने आपको लिखा चुका है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। जैसे कि इसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि पाया जाएगा, पेट्रोलियम। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो कोयला, पेट्रोलियम जो है, स्लेट और संगमरमर आदि चट्टानें यहाँ पे पाई जाएंगी। स्लेट, संगमरमर इसमें जीवाश्म पाया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, स्लेट, संगमरमर आदि इसमें पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में कभी भी यहाँ से पूछ सकता है। ये मुलायम होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये मुलायम होती हैं, होती हैं। तो ये कुछ अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानों की विशेषता हो गई हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कि इनकी कितने प्रकार की हैं अवसादी चट्टानें, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ लेगा तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनके प्रकार क्या क्या हैं, ये चीज़ यहाँ से आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद आपका लास्ट बचेगा जो है वो अवसादी चट्टानें बचेंगी, रूपांतरित चट्टानें बनेंगी। रूपांतरित चट्टानें क्या होंगी इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम अवसादी चट्टान के जो है प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार, अवसादी चट्टानों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इनको तीन भागों में बांटा जाता है। एक निर्जैव अवसादी चट्टानें हो जाती हैं, एक जैव अवसादी चट्टानें हो जाती हैं, एक रासायनिक क्रिया युक्त अवसादी चट्टानें होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला निर्जैव, क्या हो जाएगा, पहला निर्जैव, निर्जैव अवसादी चट्टान, दूसरा जैव अवसादी चट्टान, दूसरा क्या हो जाएगा, जैव अवसादी चट्टान, निर्जैव अवसादी चट्टान, जैव रासायनिक चट्टान और रासायनिक क्रिया युक्त, रासायनिक क्रिया युक्त, ये तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। निर्जैव अवसादी चट्टानों की अगर आप बात करेंगे तो निर्जैव अवसादी चट्टानों में वो होता है जहाँ पे कोई जीव तो नहीं पाए जाते, यानी कि वो निर्जीव है, वहाँ पे उस चट्टान का कोई जो कृषि तथा अन्य चीज़ों के लिए यूज नहीं होता है। तो इन चट्टानों का, ये जो चट्टानें होती हैं ये बालू प्रकार की होती हैं, ये चिकने मिट्टी होती है, यानी कि क्ले मिट्टी होती है। तो ये बालू प्रधान हो जाएंगी और क्ले प्रधान हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, बालू प्रधान हो जाएंगी, बालू प्रधान और क्ले प्रधान,
बालू प्रधान में क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर आपको मिलेगा, या बालू पत्थर आप इसे कह सकते हैं। क्ले प्रधान में क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। तो दो प्रकार के यहाँ पे हो गए, बालू प्रधान हो जाएगा बलुआ पत्थर जो मिलेगा, और जो क्ले प्रधान हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये चिकनी मिट्टी मिलेगी। जैव औषधि चट्टानों की बात करेंगे तो ये चूना प्रधान होंगी और कार्बन प्रधान होंगी। क्या होगी, ये चूना प्रधान होगी और कार्बन प्रधान होंगी, चूना प्रधान, और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन प्रधान, कार्बन प्रधान। चूना प्रधान में अगर आप बात करते हैं तो चूना प्रधान की खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट आदि होंगे, वहीं पे कार्बन प्रधान में कोयला, ऑयल सेल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खड़िया, जिप्सम, खड़िया, जिप्सम तथा डोलोमाइट, जिप्सम डोलोमाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयला, सैल चट्टान, कोयला तथा सैल पाए जाएंगे यहाँ पे। तो आयल सैल की बात करेंगे यहाँ पे, तो आयल सैल या सैल प्रकार की। अब रासायनिक क्रियायुक्त की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सेधा नमक जैसे होता है, लोहा निक्षेप, जिप्सम आदि मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेधा नमक, जिप्सम यहाँ पे भी पाया जाएगा, जिप्सम, लोहा आदि यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये जो है हमारी जो औषधि चट्टानों का विभाजन किस प्रकार से, तीन प्रकार से हुआ, निर्जैव औषधि चट्टाने, जैव औषधि चट्टाने तथा रासायनिक क्रियायुक्त चट्टाने। निर्जैव में बलुआ पत्थर, बालू प्रधान, क्ले प्रधान, जैव में चूना प्रधान, कार्बन प्रधान, और रासायनिक क्रियायुक्त में सेंधा, नमक, जिप्सम आदि सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ये हो गई, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कायांत्रिक चट्टानों की। तो कायांत्रिक चट्टान के सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि कायांत्रिक प्रकार की चट्टानें क्या होती हैं। देखिए कायांत्रिक, सॉरी रूपांतरिक या कायांत्रिक प्रकार की चट्टानें, रूपांतरित का मतलब ये आप समझ होंगे कि रूप में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, रूप में परिवर्तन, या कायांत्रित में काया में परिवर्तन, यानी कि जो चट्टानें दूसरे रूप से परिवर्तित होकर बनी हैं उन्हें कायांत्रिक प्रकार की चट्टानें कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टानों की हम बात करें तो हमने कहा कि रूपांतरिक चट्टान, जिन्हें कि कायांत्रिक चट्टानें भी कहा जाता है, कायांत्रिक चट्टान, अब इनकी बात करते हैं तो ये कैसे बनती हैं। देखिए रूपांतरित यानी कि रूप में अंतर होना, कायांत्रित काया, काया का मतलब छवि में अंतर होना। इसी प्रकार से आप बात करेंगे रूपांतरिक चट्टानें क्या होती हैं, जो चट्टानें अग्नेय चट्टानें, औषधि चट्टानों का रूप बदलकर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें ही क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांत्रिक चट्टानें कहती हैं। ये क्यों होता है, उच्च दबाव, उच्च तापमान के प्रभाव से ये होता है। और यहाँ पे तो इस प्रकार से क्या होता है, उच्च दबाव, जब हम बात करते हैं उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायन, जल के रासायनिक क्रिया से जो है औषधि चट्टानों के मूल में, अग्नेय या औषधि चट्टानों के मूल में परिवर्तन होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कहा गया है, उच्च तापमान, उच्च तापमान एवं दबाव, उच्च तापमान एवं दबाव या दोनों के प्रभाव, या जल वाष्प व जल वाष्प की क्रिया से, जल वाष्प की क्रिया से अग्नेय, अग्नेय
व औषधि, अग्ने व औषधि चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है रूपांतरिक चट्टान या कायांतरिक चट्टान कहलाती है। इन चट्टानों की कठोरता तथा दृढ़ता सर्वाधिक होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इन चट्टानों की कठोरता व दृढ़ता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आपको हमेशा के लिए याद रखना है, दृढ़ता सर्वाधिक होती है, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछता है कि किन चट्टानों की कठोरता व दृढ़ता सर्वाधिक होती है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि जो रूपांतरिक चट्टानें होती हैं इनकी दृढ़ता तथा कठोरता सर्वाधिक होती है, तथा इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो आपको हमने बता दिया कि सिर्फ एक प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, यानी कि वो औषधि चट्टानों, क्योंकि वो परतदार चट्टानें होती हैं, इसलिए वहाँ पे औषध अधिक मात्रा में जम पाता है, इसलिए वो औषधि चट्टान वहाँ पे जीवाश्म पाया जाता है। लेकिन अग्नेय तथा रूपांतरिक चट्टानों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, यानी कि जो जीव से बने होते हैं जैसे कोयला हो गया है, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो जो है सिर्फ औषधि चट्टानों में होती हैं। आप कौन सी जो होती है चट्टाने का परिवर्तन कैसे होता है, इन चट्टानों की बात करेंगे तो इसमें हीरा होता है, संगमरमर होता है, अभ्रक होता है। इसमें हीरा, संगमरमर, पत्थर होता है। अब इनकी हम बात कर लेते हैं तो किसमें कौन सा परिवर्तन होता है, ये परीक्षा में पूछ लेता है कि अग्नेय चट्टानों का परिवर्तन होकर कौन सी जो है रूपांतरिक चट्टान बनी है, औषधि चट्टानों का रूपांतरण होकर कौन सी जो है रूपांतरिक चट्टान बनी है, ये पूछ लेता है। और साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि रूपांतरिक चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, यानी कि जो चट्टान पहले से रूप बदल चुकी है फिर से उसका रूप अगर बदलता है फिर भी बदलता है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हम यहाँ बात करेंगे अग्नेय चट्टान का रूपांतरण। अब यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये जो है बेस सब हमारे ऊपर प्रकार का नहीं रहा है। रूपांतरित चट्टान का क्या है, रूपांतरण, रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे तो किस प्रकार की चट्टानों का रूपांतरण कैसे हुआ है। यहाँ से परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि कैसे इनका जो है रूपांतरण हुआ है। तो सबसे पहले हम अग्नेय चट्टानों की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अग्नेय चट्टानों की बात करें तो ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान थी, ये जो है परिवर्तित होकर यानी कि रूपांतरित होकर नीस बन गई है। इसी प्रकार से जो बेसाल्ट है वो एम्बी बोलाइट हो गई है और बेसाल्ट जो है सिल्क हो गई है। तो ग्रेनाइट जो है वो नीस बनी है, क्या हुआ है, ग्रेनाइट का जो रूपांतरण है किसमें हुआ है, नीस में हुआ है। ग्रेनाइट का रूपांतरण आपका किसमें हुआ है, नीस में हुआ है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से बेसाल्ट का जो रूपांतरण है, बेसाल्ट का वो सिल्ट में हुआ है, बेसाल्ट का सिल्ट में हुआ है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले ग्रेनाइट का जो परिवर्तन यानी कि रूपांतरण नीस में हुआ है, बेसाल्ट का जो रूपांतरण है वो किस में हुआ, सिल्ट में। इसी प्रकार से बेसाल्ट का जो है एक और दो रूपांतरण होते हैं, एक सिस्ट होता है और एक एम्फीबोलाइट होता है। इसी बेसाल्ट का जो है एम्फीबोलाइट, तो यहाँ पे तीन प्रकार की चट्टाने का जो रूपांतरण होता है, ग्रेनाइट का नीस में हुआ है,
और बेसाल्ट का सिल्ट में हुआ है, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में हुआ है। अब इसी प्रकार से अवसादी चट्टानों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्ले एवं जो है शैल का जो रूपांतरण हुआ है, क्ले व शैल, सिल्ट में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्ट या स्लेट इसे कह सकते हैं, सिल्ट आप नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें फिर सिल्ट आपका आग्नेय चट्टानों का भी हुआ है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्लेट ही कह देते हैं। तो क्ले व जो है शैल का जो रूपांतरण हुआ है यहाँ पे स्लेट में हुआ है। अब चूना पत्थर का जो है संगमरमर में हुआ है, चूना पत्थर का संगमरमर में, चूना पत्थर का संगमरमर में, संगमरमर से ताजमहल बना है, सफ़ेद संगमरमर से जो मकराना से लाया गया था राजस्थान के, संगमरमर चूना क्ले व शैल स्लेट में, चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हुआ है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हुआ है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हुआ है। बलुआ पत्थर से जो लाल किला बना है वो हमारा बलुआ पत्थर से बना है, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। अब बिटुमिनस कोयला, यहाँ पे जो औषधी है यहाँ पे कोयला पाया जाएगा, तो बिटुमिनस कोयले से क्या बनेगा, हीरा बनेगा, कोयला हीरे में परिवर्तित हुआ है। तो ये जो प्रमुख प्रकार की औषधि चट्टाने हैं, अगर यहाँ पे कोई भी पूछ ले कि जो कोयला हो गया, यानी कि यहाँ पे किसी भी जीवाश्म की बात करेगा, तो ये समझिए कि इनका जो परिवर्तन रासायनिक से ही, औषधि से ही इनका रूपांतरण हुआ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब हम रूपांतरण की बात करते हैं, तो रूपांतरित में जैसे यहाँ पे आपने देखा स्लेट क्या है, क्ले व शैल जो है स्लेट बना। अब यहाँ पे स्लेट से आगे क्या बन जाएगा, फाइलाइट हो जाएगा, यही स्लेट आगे चल के क्या हो जाएगी, फाइलाइट हो जाएगी, फाइलाइट। इसीलिए कहा गया है कि जो है रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण, क्ले व शैल का रूपांतरण होकर स्लेट बना। अब स्लेट का जो रूपांतरण होकर ये क्या बन गया, फाइलाइट बन गया है। इसी प्रकार से बात करें गैम्ब्रो की, बात करें गैम्ब्रो चट्टान है, गैम्ब्रो की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो बन जाती है फाइलाइट बन जाती है, क्या बन जाती है, फाइलाइट, यानी कि स्लेट का भी परिवर्तन फाइलाइट में होता है, गैम्ब्रो का भी परिवर्तन फाइलाइट में होता है। अब ये जो फाइलाइट है ये फिर किस में बन जाएगी, फाइलाइट, यानी कि इनका परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि ये सिस्ट में बदल जाएंगे, सिस्ट में परिवर्तन होगा। तो चट्टानों में अग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरण हुआ है किसमें हुआ है, कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरित होकर क्या बनी हैं, औषधि से क्या हुई हैं, और रूपांतरित चट्टानों का फिर से रूपांतरण होकर क्या बना है, तो इस चीज़ों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो ये हो गई चट्टानें, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।